नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक गिरी। मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि पेटीएम की तरफ से एक मैसेज आता है कि आपका केवाईसी सस्पेंड हो गया है और आपका केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा। ये जो मैसेज आते हैं, ये सब मतलब ये मैसेज सब फ्रॉड वाले मैसेज करते, तो वैसा ही मैसेज आज मुझे आया था, तो मैंने उस पर कॉल नहीं किया। एक्चुअली दो मैसेज आए थे, तो मैंने उस पर कॉल नहीं किया, तो उनका ही कॉल आया। तो वो कहने लगा कि आपका पेटीएम का अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, आप केवाईसी करवा लो। तो मैंने तो उसको तुरंत भांप लिया कि ये फ्रॉड करने वाला बंदा लग रहा है। तो मैंने क्या किया, ठीक है भाई बता फिर क्या करना पड़ेगा। तो उसने क्या बोला कि एक आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा कि जिसका नाम है टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट। तो मैंने बोला ठीक है डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने डाउनलोड कर लिया वो ऐप। तो वो बोला कि ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर एक आईडी आता है, वो आईडी बताओ। तो मैंने बोला कि वो आईडी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो जो ऐप है टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट, ये ऐप जो है, ये ऐप से वो हमारा मोबाइल क्लोन करके, मतलब वो हमारा मोबाइल चला सकता है रिमोट रिमोट की तरह। मतलब हम मोबाइल हमारा, लेकिन चलाएगा वो सब कुछ देख सकता है हमारा मोबाइल में, जो कुछ एक्टिविटी है उसके मोबाइल में वो देख सकता है। तो उसके थ्रू वो हमारा मोबाइल, मतलब उससे एक्सेस, वो ऐप से एक्सेस ले रहा था। तो मैंने बोला इससे तो मेरा फ़ोन ये हो जाएगा, आप यूज़ कर पाओगे, क्लोन हो जाएगा रिमोट की तरह, आप यूज़ कर पाओगे। तो वो बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पेटीएम की तरफ से कॉल आया है, आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो मैंने बोला जब मैं मुझे करना है तो मैं कर लूँगा, लेकिन आप ऐसे बंद करो कि अभी कोरोना चल रहा है और फ्रॉड कर रहे हो आप, ये बंद करो। तो मैंने क्या किया, उसका कॉल रिकॉर्ड किया है, और वो सब आपको मैं अभी सुनाने वाला हूँ कॉल रिकॉर्ड। तो सुनिए, और आप भी, मतलब आप भी, आपको भी ऐसे कुछ मैसेज आता है तो आप क्या करो, सतर्क रहो कि ऐसे किसी को अपनी जानकारी मत बताओ, आधार कार्ड नंबर, ओटीपी, ऐसे कुछ भी मत बताओ, ठीक है? तो देखो वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ मैं। हेलो हेलो जी, हाँ गुड इवनिंग सर, बताइए। और हेलो जी फोन आपने किया है सर, बोलिए ना। सर, मैं पेटीएम से राहुल बात कर रहा हूँ, बताइए क्या कॉल आपको मैसेज मिली सर आपको। जी हाँ सर, आपने कॉल किया सर पेटीएम में, अच्छा, वो मैसेज आया था आपका, क्या मैसेज मिली सर आपको? ओके एक मिनट बताता हूँ मैं। ये आया था केवाईसी सस्पेंड हुआ है करके, जी सर, अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर बताएंगे, कंफर्म यही है रजिस्टर नंबर। हाँ कराएंगे सर, हाँ कंफर्म कराएंगे रजिस्टर मोबाइल नंबर। यस 8600 50 अच्छा 1948। सर, जहाँ तक कि मैं आपकी अपडेटिंग को चेक कर पा रहा हूँ, आप अपने हमारे आधार कार्ड फिंगरप्रिंट से एजेंट द्वारा केवाईसी करा लिए थे सर। हेलो, हाँ हाँ करा लिया था। हमारे एजेंट द्वारा आपने आधार कार्ड फिंगरप्रिंट से केवाईसी करा लिए सर? हाँ जी सर, इसके दौरान आपको री केवाईसी अपडेट करनी होती है, उस पर आपको मैसेज मिली सर आपको कि री केवाईसी आपको अपडेट करनी होती है सर। अच्छा केवाईसी अगर आप अपडेट नहीं करते तो आपका 24 घंटे के अंदर अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा सर। री केवाईसी अपडेट कराना चाहते हैं हाँ जी सर, 5 मिनट का प्रोसेस सर, 5 मिनट का प्रोसेस में आपको केवाईसी हो जाएगी। ओके अच्छा सर, आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी जिसके द्वारा आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। जी अच्छा कौन सा? सर, प्ले स्टोर ओपन करेंगे, क्यूएस सर्च करेंगे सर, क्यूएस। एक मिनट, क्यू क्यू एस जी सर, क्यू
हेलो क्या? हाँ कर लिया क्या? QS ना? QS सर, किया सर आपने? QS हाँ जी सर, क्या आपको लिंक आ रही है? इधर तो ऐप आ रहा है, QS TeamViewer, QS ऐप, QS हाँ जी सपोर्ट। इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल कर लिया सर आपने? हाँ कर रहा हूँ। ओके, कितने परसेंट हो पाई है? हो गया, हो रहा है। ओके सर। हेलो जी सर, ये फोन चालू नहीं, इसलिए नेट ये हो रहा है। जी सर, कॉलिंग के लिए आपके पास कोई अदर मोबाइल है सर? अदर मोबाइल नहीं, देखना पड़ेगा। देखिए सर, आपका फैमिली में किसी का अदर मोबाइल है सर कॉलिंग के लिए? जी सर, आप मोबाइल ले लेंगे, नंबर कंफर्म कराएंगे सर? अच्छा, एक काम करो ना सर, आप वीडियो कॉल कर सकते हो क्या? मुझे बताओ क्या क्या। नहीं सर, वीडियो कॉल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये सिस्टम द्वारा की जाती है। ओके, आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ही कुछ कर हो पाएगा। ओके सर। अच्छा जी सर, आप अदर मोबाइल जो आपके पास है सर, नंबर कंफर्म कराएंगे, मैं उस पर कॉल बैक कर लेता हूँ, उसके बाद इसका नेट चलेगा ना सर? अच्छा, मैं तो अभी इधर बाहर बैठा हूँ, घर का नंबर अभी घर के अंदर नहीं। जी सर, आप घर चले जाएंगे सर? नहीं, मैं खेत में हूँ ना, अभी जाने में टाइम लगेगा। रुको, हो रहा है इंस्टॉल? ओके सर, लाइन पे हूँ, वेट कीजिए। हेलो 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 सर। हाँ हो गया, इंस्टॉलिंग हो रही है सर? हाँ जी सर, ओपन हो गया? हाँ हो गया ना। जी सर, उसे ओपन हो गया सर? हाँ हो गया ना। ओपन होने के बाद 3 बार फ्लाइट करेंगे सर उसे? हाँ किया ना। जी सर, क्या आ रही है सेटिंग? सेटिंग में कंफर्म कर लेंगे सर। हाँ बोलो। योर आईडी आ रही है सर? मैंने आपको आईडी सेंड किया, योर आईडी आ रही है? हाँ आ रही है। बोलिए सर, आईडी नंबर बोलिए, वन करके होगा। हाँ बोलिए नंबर। 1610 1610। लेकिन सुनो ना, ये काय का पे? जी सर, ये आईडी है सर, आईडी आप सबमिट करेंगे सर, उसके बाद ही आपका रिकेवाईसी अपडेट होगी सर। आप खुद से कर पाएंगे अपने मोबाइल फोन द्वारा? ठीक है सर, इसके लिए कुछ भी जानकारी, कोई भी डिटेल्स मुझे शेयर नहीं करनी होगी सर आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए। 1610। रुको रुको, बता दो आप कहाँ से बोल रहे हो? जी सर, मैं नोएडा सेक्टर 5 से बात कर रहा हूँ, राहुल शर्मा। अच्छा जी सर, एक मिनट, बाकी इधर गया। ये आईडी शो कर रही है सर? अरे फिर से चला गया। हाँ आया आया आया, बोलिए सर। हाँ रुको ना, कहाँ से बोल रहे हैं बोला आप? सर नोएडा सेक्टर 5 से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये दिल्ली में है क्या? जी सर, दिल्ली नोएडा सेक्टर 5। अच्छा, उधर कोरोना का कैसा चल रहा है? सर कोरोना तो अच्छा चल रहा है सर, वो तो सर इस जानकारी मैं शेयर नहीं कर सकता, सॉरी चाहता हूँ इसके लिए सर। अरे वो तो दिल्ली में तो ये बढ़ रहा है ना कोरोना? हाँ सर, वो तो बढ़ रही है सर, इसके लिए भगवान की कृपा सर कुछ होगा जो। अच्छा अच्छा जी सर, अपना आईडी कंफर्म कराएंगे सर, सॉरी सर इस जानकारी मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। अरे वीडियो कॉल करोगे, कर सकते हो क्या? करो ना, मेरा मोबाइल पुराना है बहुत। जी सर, मोबाइल पुराना है तो वीडियो कॉल अलाउ नहीं है सर यहाँ पर, वीडियो कॉल मैं फोन से नहीं करता हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन द्वारा किया जाता है। अच्छा 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 1610। लेकिन मैं अगर आगे का बताऊंगा तो अपडेट हो जाएगा क्या? जी सर, अपडेट हो जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक के द्वारा आप कर पाएंगे सर, आपका लाइफ टाइम तक पेटीएम यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके अच्छा 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 जी सर, 1610। अभी देखो ना, अगर ये ऐप में ये नंबर अगर मैं बताऊंगा तो ये जो ऐप है ना, ये तो मतलब मेरा मोबाइल आप रिमोट से कंट्रोल कर पाओगे उधर से, क्लोन ऐप है ये। रिमोट सुनिए सर, रिमोट कंट्रोल नहीं होगी, सिस्टम से होती है सर, रिमोट कंट्रोल नहीं होगी। आईडी जो मिली है सर आपको सिस्टम द्वारा गई आईडी है, जिसे जो आप कनेक्ट हो जाएगा सर, उसके बाद अपना सबमिट करेंगे तो आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगी। ओके हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ कि अगर मैं इधर से ये करूँगा ना तो सब आप उधर देख पाओगे, मेरा मोबाइल पूरा क्लोन आपके पास आ जाएगा ना? सर मैं देख नहीं पाऊंगा, ये सिस्टम से होती है सर, कंप्यूटर स्क्रीन द्वारा होती है। ओके ऐसा होता है क्या? जी सर।
ऐसा नहीं होता है भैया, ये मैं यहाँ जो करूँगा उधर आप देख पाओगे वही, और आप मेरा सब नोट करोगे और मेरा पैसा निकाल लोगे। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, इसके लिए निश्चिंत रहिए। ओके, पेटीएम केवाईसी के लिए आपको कॉल किया गया, पेटीएम कस्टमर द्वारा बात हो रही है। ओके, अरे लेकिन ये तो पेटीएम का तो नहीं दिख रहा ना सर, तो पेटीएम तो नहीं। टीम व्यूअर कुछ तो अलग ही है ये। एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पूना से कर रहा हूँ। पूना से बात कर रहे हैं सर, कोरोना के कारण अब पूरा लॉकडाउन चल रहा है ना सर। हाँ, तो शॉप आपका वहाँ खुला हुआ है? नहीं है। इसीलिए सर आपको एक कंपनी ने नया एप्लीकेशन को लॉन्च किया जिसके द्वारा आप अपना खुद से केवाईसी कर पाएंगे। हाँ 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 जी सर, अपना नंबर कंफर्म कराइए सर। मेरा नंबर तो यही जो मैं फोन पे बात कर रहा हूँ वही नंबर है। आईडी, योर आईडी जो मैंने आपको सेंड किया सर, नंबर आपको कंफर्म कराना, योर आईडी आपको सेंड कराना होगा। तो बताया ना मैंने 1610। इसके बाद सर? उसके बाद बताऊंगा तो आप मेरा पैसा निकाल लोगे सर? नहीं होता सर, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, फ्रॉड मत समझिए। ओके, अरे बेटा देखो मैं भी इंजीनियर हूँ यार, मेरे को सब समझ में आता है, क्योंकि मेरा मेरा मोबाइल का क्लोन तुम्हारे पास आ जाएगा और आप सब मैं जो यहाँ से एक्टिविटी करूँगा वो सब आप देख पाओगे और आप मेरा पैसा उधर से निकालोगे। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है सर। आप अच्छा अच्छा फिर बताओ आगे का। आपको नंबर आगे का बताना होगा सर। अच्छा तो अगर मेरा पैसा निकालोगे तो आप वो जो कोरोना से बीमार पड़ रहे उनको दे दोगे? नहीं सर, पैसा आपका नहीं मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ओके, अरे तुम्हारा नाम क्या बोला? सर राहुल से बात कर रहा हूँ। राहुल क्या शर्मा? राहुल शर्मा सर। राहुल शर्मा, देखो राहुल, ए देखो देश में कितना कोरोना से लोग मर रहे है ना, कितना कितना फैल रहा है, और आप देखो ऐसे कर रहे हो, हर सबको ऐसे मैसेज करके सबको फ्रॉड कर रहे हो, तो ये बेटा बंद करो। अरे आपको मैसेज मिला सर, हमारी कंपनी के द्वारा आपको मैसेज मिला, तो नंबर के द्वारा मैसेज कभी नहीं मिला है। तो कंपनी कंपनी पेटीएम का ये कंपनी है ये? जी सर, आपको देखिए मैसेज जो मिला सर, पेटीएम कंपनी के द्वारा आपको मैसेज मिला है। ओके, ये मैसेज कंपनी कंपनी तो नहीं आया बेटा, ये आप जैसे ही जो फ्रॉड बंदे ना उन वो भेजते हैं मैसेज। सर मैसेज सर आप नहीं समझ पा रहे, मैं सॉरी चाहता हूँ। अरे आप नहीं समझ पा रहे हो कि आप जो ये कर रहे हो ना जी सर, गलत कर रहे हो बेटा। आपके नजर से गलत लग रहा सर, आपको केवाईसी अगर नहीं करनी है तो आपको कोई सर, लेकिन रिकॉर्ड होती है आपको गलत बोलने का कोई अलाउ। हाँ सर, केवाईसी कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते हो आप कंफर्म बता दीजिए, क्योंकि आप गलत बोलने का आपको अलाउ हाँ। लेकिन ले देखो मैंने तो केवाईसी कर ली है और मुझे केवाईसी का जो कोई भी मैसेज नहीं आया, ऐप भी मैं यूज करता हूँ अच्छी तरह से, उस पर भी कोई मैसेज नहीं आया। ये मैसेज जो है ना ये आपने आप में से किसी ने भेजा है तो ये फ्रॉड करते हैं ना। ऐसा नहीं होता। ओके सर, आप नहीं कराना चाहते? हाँ वो देखो कराना है तो मैं कर लूंगा, लेकिन आप ये सब बंद करो। देखो गरीब लोग रहते हैं, आजकल लॉकडाउन है तो पूरा बाहर नहीं जा सकते, तो आप पैसा उनका ले लोगे तो वो क्या खाएंगे बेटा, बंद करो। मैं गलत नहीं हूँ यार, मैं जानता हूँ, मैं सब ये कंप्यूटर ये वो ऐप ये सब जानता हूँ मैं। अच्छा तो तुम्हारा पेटीएम मैं अपडेट कर दूँ इधर से, तुम भेजो मुझे। बहस नहीं कर रहा हूँ, हाँ मुझे नहीं करना है, लेकिन आप भी ये फ्रॉड है ना सब बंद करो। थैंक यू सो मच, ठीक है बंद होगा तो मैं देख लूंगा। हाँ हाँ ठीक ठीक है, ओके थैंक यू।